अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से। सऊदी अरब के आज बहुत ही अच्छे जॉब्स हैं। अच्छी बात ये है इन सब जॉब्स की कि वीज़ा बिल्कुल इन सब जॉब्स का रेडी है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में इन्हीं सब जॉब पे जाने का प्रोसेस बताऊंगा, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें आपकी सैलरी कितना मिलेगा, ड्यूटी कितने आवर्स की देनी होगी, पासपोर्ट कौन सा लगेगा आपको, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इन सब जॉब्स के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। फर्स्ट नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरब के जिद्दा सेक्टर से आया हुआ, इन्हें ट्रेलर ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर आप सऊदी अरब में पहले काम कर चुके हैं, आपके पास सऊदी का वैलिड या एक्सपायर्ड लाइसेंस है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें पहले बंदे गए हुए तो वो बताते हैं 2500 से 3000 हर महीने का वो कमा लेते हैं ट्रिप लेकर। जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वो 1400 सऊदी रियाल, तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। इसी में आपका खाना पीना भी रहेगा, प्लस इसमें ट्रिप है तो ट्रिप में ज़्यादा पैसा मिलता है, 2 से 2500 तक आप आराम से कमा सकते हैं। 5 बंदों की ज़रूरत है, 3 बंदे ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 बंदों की ज़रूरत है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छा, आप पहले काम कर चुके हैं, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। यही सेम गाड़ी आपको चलानी होगी, मैंने वहाँ से ये फ़ोटो मंगवा लिया था, तो सेम यही चलाना है आपको। और सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी है वो रिटर्न डीजल मैकेनिक की ज़रूरत है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सऊदी में ही काम, अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं भी काम कर चुके हैं, जैसे कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर, कहीं भी काम कर चुके हैं, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी है, 2500 सऊदी रियाल आपकी सैलरी, प्लस ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ECNR दोनों कैटेगरियों के लिए चलेगा, ECR वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी हर दिन 8 घंटा बस देनी होगी, मतलब दोनों कैटेगरी, ट्रेलर ड्राइवर के लिए भी और आपका रिटर्न डीजल मैकेनिक दोनों के लिए, और सेम ड्यूटी 8 घंटे। वीज़ा सेम रहेगा, सेम प्रोफेशन का रहेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा प्रोफेशन पे आपको भेजा जाएगा। और डीजल मैकेनिक का ये है कि जैसे 8 घंटे के बाद आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको अलग पैसा, खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि कहीं आपको ऑर्डर आ गया, गाड़ी खराब हो गई, आपको जाना पड़ा बनाने के लिए, तो वहाँ आपको 400-500-600 रियाल आराम से मिल जाता है। तो दोनों जॉब बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी भी बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनी है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। इसमें जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, जैसे फ्री एकोमोडेशन, रहने की फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, एकामा, ये सारी फैसिलिटी आपको कंपनी के द्वारा मिलेगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, वाकई ही जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर PDF फॉर्म में सेंड करें। अब डॉक्यूमेंट्स में जैसे हो गया, एक रिज्यूम आपका बनवा ले, कहाँ कितने साल का एक्सपीरियंस, उसमें सारा कुछ बायोडाटा मेंशन हो, पासपोर्ट का फ्रंट बैक का हाफ साइज फोटो, और सऊदी का वैलिड या एक्सपायर्ड लाइसेंस, ये सारी, और फाइनल डोज का वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आप स्कैन करवा के एक PDF बनवा लेंगे, फिर आपको सेंड करना होगा। या तो आप डीजल मैकेनिक के काम में जाना चाहते हैं, तो वहां तो आपका लाइसेंस लगेगा नहीं, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा देंगे, और अगर ट्रेलर में जाना है तो आपका सऊदी लाइसेंस लगे। ये सारी चीज आप PDF फॉर्म में बनवा लें, फिर आपको सेंड करना होगा। सेकेंड नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरबिया के रियाद सेक्टर से है, एक रेस्टोरेंट है उमामी, वहां से जॉब्स आया हुआ है। जॉब पोजीशन जो आपका रहेगा जॉब का, वो वेटर का आया हुआ है। अगर आप वेटर के काम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छी मिल रही है आपको, 1600 सऊदी रियाल से लेके 2000 सऊदी रियाल मिलेगा आपको। इसमें केवल मुस्लिम ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इसमें मांगा वो 22 और 30 साल के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होना। पर इसमें टर्म एंड कंडीशन यही है कि आप दिखने में गुड लुकिंग हो, और आपको अच्छी खासी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, और ड्यूटी इसमें हर दिन जो है 11 आवर की देनी, मतलब 10+1 आवर्स, 10 घंटा आपको काम, और 1 घंटा आपको लंच ब्रेक आराम करने को मिलेगा। पासपोर्ट, ECNR होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको और भी चीज़ें मिलेगी, जैसे फ्री एकोमोडेशन, रहने की फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर PDF फॉर्म में स्कैन किया हुआ सेंड करें। अब डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं, आपका एक रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम में सारी चीज़ें मेंशन हो, आपकी एजुकेशन कितनी हुई है, कितना पढ़े लिखे हो आप, हो कहाँ के हो, ये सारी चीज़, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ आप उसमें मेंशन कर दें, पासपोर्ट का फ्रंट बैक का हाफ साइज फोटो, फुल साइज फोटो, और एक वीडियो, वीडियो में आप अपना नॉर्मल इंट्रो देते हुए, ताकि पार्टी को लगे कि वाकई आपको इंग्लिश आती है, ये सारी चीज़ आपको सेंड करना होगा। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स और वीडियो सेंड करें। थर्ड नंबर पे जो जॉब है वो एक कंपनी से आया हुआ है, जिद्दा सेक्टर से, सऊदी अरबिया के। यहाँ पे
स्मॉल बस ड्राइवर की जरूरत है 8 बंदों की, जिसे मिनी बस कहते हैं ना, मिनी बस अगर आपको चलाने आता है तो इसमें अप्लाई करें, सैलरी अच्छी देना 1400 सऊदी रियाल, इसी में आपका फूड भी इंक्लूडेड है, मतलब खाना पीना आपका इसी में रहेगा। ड्यूटी हर दिन 8 घंटे की देनी होगी, 8 घंटे के बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा, उसमें आप अच्छा पैसा कमा। अच्छी बात है कि दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, ECR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ECNR वाले भी अप्लाई कर। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपको इमिग्रेशन करवाना होगा, उसको आपको अलग से चार्ज देना होगा 10,000, तो वो जितना भी सर्विस चाहे उसमें एक्स्ट्रा आपको देना होगा। साथ ही साथ जो आपको और भी फैसिलिटी मिलेगी कंपनी के जरिए, वो जैसे फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किए। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर PDF फॉर्म में स्कैन किया हुआ सेंड कर। अब डॉक्यूमेंट में फ्रंट बैक का पासपोर्ट का हाफ साइज फोटो, वैक्सीन का फाइनल डोज का सर्टिफिकेट, एक आपका CV रिज्यूम जिसमें आपका बायोडाटा मेंशन, मोबाइल नंबर वगैरह, और आपका एक वीडियो बस चलाते हुए, मिनी बस चलाते हुए एक वीडियो होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको सेंड करना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वाकई, तभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स और वीडियो सेंड करें। 4th नंबर पे जो जॉब आया वो सऊदी अरब के अबाद सेक्टर से आया, वो फ्रेश फैमिली ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर आप फैमिली ड्राइवर के काम में जाना चाहते हैं, इसमें रिटर्न वाले भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेश की ज़रूरत है। सैलरी ये देना 1200 प्लस 200 सऊदी रियाल, 1200 आपकी बेसिक सैलरी और 200 आपको खाने पीने का मिलेगा, यानी 28,000 के करीब आज के डेट में इंडिया का हो गया। उसी में आपका फूड भी नहीं, सेक्टर आज जैसे मैंने बताया आबाद सेक्टर है, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका ECNR होना चाहिए और आपको ड्राइविंग की अच्छी खासी नॉलेज हो, ताकि आजकल गूगल मैप वगैरह हो तो वो सारी चीज़ आप पढ़ लें, कहाँ पे जाना, लोकेशन वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं हाउस ड्राइवर के काम में, अब हाउस ड्राइवर का काम मैं आपको बता दूँ, ड्राइविंग करने के साथ साथ गाड़ी की साफ़ सफाई भी करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर PDF फॉर्म में सेंड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में जैसे फ्रंट बैक का स्कैन किया हुआ पासपोर्ट, हाफ साइज फोटो, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और आपका वैक्सीन का फाइनल डोज का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ स्कैन करवा के PDF बनवाना, और आपका एक वीडियो भी होना चाहिए जिसमें आप अपने इंट्रो देंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको आती है इंट्रो देंगे, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाते हुए एक वीडियो होना चाहिए, ये दोनों चीज़ आपको सेंड करना होगा। 5th नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरबिया के दम्माम सेक्टर से आए, वो 4 कैटेगरियाँ, तो मैं आपको एक एक करके बता दूँ। ग्रेडर ऑपरेटर लेनी चाहिए, सैलरी ये देना 1600 सऊदी रियाल प्लस 200 आपको खाने पीने का। फिर पोकलैंड ऑपरेटर 1400 प्लस 200, हाइड्रोलिक मैकेनिक 2500 सऊदी रियाल, यानी 50,000 आज के डेट में इसका हो गया, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है हाइड्रोलिक मैकेनिक की। फिर हाइड्रोलिक मैकेनिक हेल्पर 50%, अगर आपको हाइड्रोलिक का काम मालूम तो एज ए हेल्पर के तौर पे आप जा सकते हैं, सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे 1600 सऊदी रियाल प्लस 200 आपको खाने पीने का मिलेगा। ड्यूटी अच्छी बात है कि चारों पोस्ट के लिए 8 घंटे की बस देनी, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम कंपलसरी है, मतलब आपको ओवर टाइम 2 घंटा 3 घंटा रोज आना मिलेगा, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं चारों पोस्ट के लिए। बेसिक सैलरी तो 1400, लेकिन जैसे 1400 है 1600 2500, लेकिन आप ओवर टाइम करते हैं तो यही आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाएगी 2500 से हो जाएगी 2900 हो जाएगी। और फ्राइडे वाले दिन तो जैसे मालूम है कि आपको छुट्टी रहती है, अगर उस दिन भी आप ओवर टाइम करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पासपोर्ट इसमें अप्लाई करने के लिए ECNR होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको और भी फैसिलिटी मिलेगी जैसे फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी आपको जॉब में प्रोवाइड किया जाए। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर PDF फॉर्म में सेंड करें। अब डॉक्यूमेंट्स में ये होगा कि आपका एक रिज्यूम CV जिसे कहते हैं, उसमें सारा बायोडाटा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है गल्फ का, इंडिया का, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन हो। पासपोर्ट का फ्रंट बैक का स्कैन किया हुआ हाफ साइज फोटो और टेस्ट और वीडियो, टेस्ट अगर आप फ्रेश हो तो आपका टेस्ट सर्टिफिकेट और वीडियो होना चाहिए चलाते हुए। अगर आप रिटर्न है तो आपके पास वहां का लाइसेंस वगैरह हो, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप PDF फॉर्म में बना लेंगे, फिर आपको सेंड करना होगा। 6th नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरबिया के रियाद सेक्टर से मसना फैक्ट्री से आया हुआ। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, ECR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ECNR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 कैटेगरी हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। 4 क्लिप ऑपरेटर की ज़रूरत है, सॉवेल ऑपरेटर, कंक्रीट मिक्सर ऑपरेटर, ब्लॉक फैक्ट्री लेबर, सीमेंट फैक्ट्री लेबर। सैलरी पांचों कैटेगरियों के लिए इन्होंने सेम रखा, 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम, इसी में आपका खाना पीना भी इंक्लूड है। और लास्ट वाला जो है वो ऑटो इलेक्ट्रीशियन, हैवी गाड़ियों का चाहिए। अगर आप फ्रेश हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारे कैटेगरी फ्रेश के लिए ही हैं। अगर आप रिटर्न भी हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें। फ्रेश की जो ये इसमें ऑटो इलेक्ट्रीशियन हैवी का जो ये फ्रेश के लिए सैलरी लगाई, ये 1700 सऊदी रियाल, मतलब इसमें आपका फूड भी इंक्लूड और आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। ड्यूटी हर
दिन 10 घंटे की देनी होगी, 10 घंटे के बाद आप ओवर टाइम कर सकते हैं। और जो फैक्ट्री आपको चीज़ें प्रोवाइड करे जैसे फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी आपको इस जॉब के लिए मिलेगा। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में सेंड करेंगे। अगर आप जैसे फोरक्लिप हो गया, शॉवेल हो गया, ये सारे कैटेगरी में है, तो इसमें इंडिया का लाइसेंस और टेस्ट सर्टिफिकेट, आयशा एबीसी जो भी हो, इसका टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक वीडियो भी होना चाहिए। फोरक्लिप और शॉवेल और मिक्सचर कॉन्क्रीट, ये सारे कब एक वीडियो होना चाहिए काम करते हुए, फिर आपको सेंड करना होगा। सेवंथ नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरबिया के रियाद सेक्टर से आए हो। यहाँ पे एसी टेक्नीशियन चिलर रिटर्न चाहिए और 3 बंदों की ज़रूरत है, गल्फ रिटर्न होना चाहिए, चाहे आप कतर, ओमान, बहरैन, कुवैत कहीं भी काम किए हो पहले एसी टेक्नीशियन चिलर का, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी है, 2000 तो आपकी बेसिक सैलरी और 250 आपका फूड वगैरह का मिलेगा। पासपोर्ट इसमें अप्लाई करने के लिए ECNR होना चाहिए। इसमें जो आपको और फैसिलिटी मिलेगी जैसे फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी आपको इस जॉब के लिए दिया जाएगा। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में सेंड करें। अब डॉक्यूमेंट्स में आपका एक रिज्यूम होगा जिसमें आपका सारा बायोडाटा, एक्सपीरियंस, कितने साल का कहाँ, ये सारी चीज़ मेंशन करेंगे। पासपोर्ट का फ्रंट बैक का हाफ साइज फोटो, वैक्सीन का फाइनल डोज का सर्टिफिकेट और आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ भी आप पहले काम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ एक पीडीएफ में करवा लेंगे, फिर आपको सेंड करना। इन सब जैसे मैंने बताया सारे जॉब्स का वीज़ा बिल्कुल रेडी, तो ज़रूर अप्लाई करें, काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा इन सब। 8 नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरबिया के रियाद सेक्टर से एक फैक्ट्री से काम आया हुआ है। यहाँ पे टिग वेल्डर की जरूरत, एक ही बंदा यहाँ पे चाहिए। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी 1600 सऊदी रियाल लगेगी। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 1800 से लेके और 2000 सऊदी रियाल आपकी सैलरी लगने वाली है। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि 1800 लगेंगे 2000, इसी में आपका फूड भी इंक्लूड। ड्यूटी हर दिन 8 घंटे की देनी होगी, उसके बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा और 1 घंटा आपको फूड, खाना पीना, नमाज पढ़ना, ये सारी इन चीज़ों के लिए आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड की जैसे फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको जो डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा, मैं आपको बता दूँ, पासपोर्ट का फ्रंट बैक का स्कैन को, हाफ साइज फोटो, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिया का हो गया, गल्फ का हो गया, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका एक रिज्यूम होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ आपका मेंशन हो। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई करना चाहो तो आपके पास ऐसा या बीसी का टेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ आप पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करवा लेंगे, फिर आपको सेंड करना। फ्रेशर के लिए एक वीडियो भी ज़रूरी है, काम करते हुए एक वीडियो भी होना चाहिए। 9th नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरबिया की एक फैक्ट्री से होगा, अफीफ फैक्ट्री से। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, फर्नीचर पॉलिशर, यहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत है, सैलरी लगाएंगे 1500 सऊदी रियाल, जिसमें से 1300 आपकी बेसिक सैलरी और 200 आपको खाने पीने का मिले। फिर CNC ऑपरेटर की ज़रूरत है, 2000 सैलरी लगाए, 1800 आपकी बेसिक सैलरी और 200 आपको खाने पीने का मिले। 2 साल बाद जब आप घर पे आएंगे तो आपको यह टिकट भी प्रोवाइड किया जाए, 9 घंटे की हर दिन यहाँ ड्यूटी देनी होगी। पासपोर्ट ECNR आपका होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपको और भी चीज़ें मिलेगी जैसे फ्री एकोमोडेशन मिलेगा आपको, उसके साथ आपको वाईफाई की भी फैसिलिटी मिलेगी, मतलब फ्री आपको नेट चलाने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी आपको इस जॉब में दिया जाएगा। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड करना होगा। और आपको CNC ऑपरेटर के काम है तो वहाँ पे काम करते हुए वीडियो, और अगर आप पॉलिशर के काम में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका एक वीडियो काम करते हुए होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट का फ्रंट बैक का हाफ साइज फोटो और वैक्सीन का फाइनल डोज का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप एक पीडीएफ में स्कैन करवा लेंगे, फिर आपको सेंड करना होगा। 10th नंबर पे जो जॉब है वो सऊदी अरबिया से आया हुआ है, सेक्टर यहाँ पे ओपन है, कहीं भी आपको काम लगाया जा सकता है। रोटी मेकर की यहाँ ज़रूरत है क्योंकि ये रेस्टोरेंट हर जगह है, तो जहाँ पे भी आपको काम लगाया जाएगा वहाँ पे आपको जाना होगा। रोटी मेकर की ज़रूरत है, सैलरी 1500 सऊदी रियाल आपको मिले। अगर आप रोटी मेकर का काम अच्छे से जानते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। 10 घंटे की ड्यूटी है और 2 घंटा ओवर टाइम कंपलसरी है, मतलब टोटल 12 घंटा है, 10 घंटा आपको तो जो यहाँ पे ड्यूटी है और 2 घंटा आपको अलग से, उसका आपको अलग से पैसा मिलेगा, तो इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पासपोर्ट इसमें अप्लाई करने के लिए ECNR होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी आपको इस जॉब में दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट का फ्रंट बैक का हाफ साइज फोटो, वैक्सीन का फाइनल डोज का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आप स्कैन करवा के एक पीडीएफ बनवा लेंगे और आपको काम करते हुए एक वीडियो, ये सारी चीज़ आपको सेंड करना होगा अगर आप वाकई जॉब में जाना चाहते हैं तो।
मैं आपको टोटल 10 जॉब्स बताए, अगर आप इन 10 जॉब्स में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में जो बनवाएंगे आप या तो व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं या तो ईमेल आईडी, मैंने दोनों ऐड कर दिए, तो जिस पे आपको आसानी लगे वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। अगर आप गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, हो सके आपने वीडियो देखा हो और जो जॉब आप सर्च कर रहे हैं वो इस वीडियो में ना मिला, तो आप ऐसा करें जिस भी फील्ड से हो आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करवा लें, और मैंने ईमेल आईडी भी ऐड कर दिया और व्हाट्सएप नंबर भी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे सेंड करके रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब भी उस कैटेगरी का जॉब आएगा तो आप पे कॉल जाएगी, तो आप अप्लाई तब कर सकते हैं। लेकिन आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, यहाँ से हमारे वहाँ से काम करवाना चाहते हैं, तभी आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड। कई बार ऐसा होता है कि कई जॉब बहुत ही जल्दी आते रहते हैं, कुछ जॉब ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन, 1 महीना भी, तो अगर आपके अंदर सब्र है वेट कर सकते हैं तभी आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। वैसे जो हमारे वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑल टाइप्स वीजा आते हैं, जैसे ड्राइवर प्रोफेशन, लेबर कैटेगरी का, और प्रोफेशनल जॉब, टेक्निकल जॉब, कुक, और आपका मेडिकल लाइन से जॉब, ये सारी जॉब्स आते रहते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमारे वहाँ प्रोवाइड की। एयर टिकटिंग, आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट लेना चाहते हैं तो आप टिकट भी बुक करा सकते हैं। आपके पास वीज़ा या वकाला बनवाना चाहते हैं या स्टैंपिंग करवाना चाहते हैं कुवैत, सऊदी, कहीं का भी, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिले। उमरा पैकेज लेना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ उमरा पैकेज है, आप लखनऊ से या दिल्ली से कहीं से भी लेना चाहते हैं तो उमरा पैकेज भी हम आपको प्रोवाइड कर दें। आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, एचआरडी अटेस्टेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी हम आपका कर, मतलब गल्फ से जो भी जरूरत है सारी चीजें यहां पे मिल जाए। अगर आप इस चैनल पे नए, पहली दफा वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं गल्फ से रिलेटेड कोई जॉब्स हो गए, कोई न्यूज हो, अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मालूम चले, और भी लोगों को शेयर करें, ताकि अगर वो भी अच्छी जगह जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के अच्छी जगह जाके जॉब कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नई जॉब के साथ।